गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे द डेट इज 19 मई 2020, सब्जेक्ट कंप्यूटर, क्लास 7th, सेक्शन ए, चैप्टर नेम है विंडो 7, लेसन 2, पेज नंबर 15। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नेम है विंडो 7, लेसन 2, पेज नंबर 15। Window has simplified the task of managing data in a computer. ठीक है, बोलते हैं window क्या करती है, simplify करती है। ठीक है, जो भी task है हमारा उसमें वो data को manage करके रखती है हमारा computer में। The data in a computer is organized in the form of files and folders. जो भी data हमारा computer के अंदर होता है वो कैसा होता है, किसकी फॉर्म में होता है, फाइल्स और फोल्डर्स बने होते हैं। इन विंडोज़ यू कैन लोकेट योर फाइल्स एंड फोल्डर्स आइदर इन डॉक्यूमेंट्स फोल्डर और विंडो एक्सप्लोरर। ये बोल रहे हैं जो भी आपके मान लो फाइल्स है या फोल्डर्स है या डॉक्यूमेंट फोल्डर्स हैं या विंडो एक्सप्लोरर है, आप उनको क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। ठीक है, लोकेशन प्रोवाइड करवा सकते हो। Windows Explorer is used for viewing, exploring and organizing files in a computer. बोले जो Windows Explorer है वो हम basically किसके लिए use करते हैं, जो भी आपकी files है उनको view करने के लिए, explore करने के लिए और organize करने के लिए। ठीक है, so homework भी आपके लिए यही है, read, write, revise Windows 7। So thank you students and have a nice day.